आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, थोड़ा सा कम करो प्लीज। ओके, कुछ बच्चे स्टेशन पर कुली बनते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें टीचर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। फिर एक आईपीएस ऑफिसर बना, एक आईएएस ऑफिसर बना, एक कुली बना, क्या कारण था? कारण एक ही था, मैं बताऊं? इसी तरह की क्लास चल रही थी, एक टीचर क्लास में आए, उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं? बोले बताओ। आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका। वो कुली ही बना होगा। आपको क्या लगता है ये आरसीएम का पहला सेमिनार? यहां रवि जी हर महीने बड़े बड़े लीडरों को बुलाते हैं। फिर कुछ लोग आरसीएम में रॉयल्टी बनते हैं, कुछ टेक्निकल बनते हैं, कुछ क्यों नहीं बनते? मैं बताऊं क्यों नहीं बनते? आप भी यही सोच कर बैठते हो, आप आरसीएम समझा रहे हो ये सत्य है। हम आरसीएम समझ रहे हैं ये आपका। तो आज समझे, मैं कितने लोग आरसीएम में अमीर बनना चाहते हैं? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया इनका क्या करें? देखो, आपने ये सुना है कि ऊपर वाला हर जगह विद्यमान रहता है, वो हर जगह कण कण में है, हर जगह आप सुनते हो। मान लो अभी इस स्पीकर में बैठा हो और वो देख रहा, इसको अमीर नहीं बनना, इसका मतलब मैंने इसको जितना पैसा दिया है वो भी गलत हो, वापस ले लिया जाए। तो एक बार हाथ खड़ा करें, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? देखो डर कितनी खतरनाक चीज है, हम स्पीकर की तरफ देख रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दूं, जिस प्लेटफॉर्म पर आज आपको, अगर आपका सपना बड़ा है, आपकी चाहत बड़ी है, तो ही ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अगर आपका सपना छोटा है तो बड़ा करो, खो चुका है तो पैदा करो। क्योंकि आदमी की जब तक चाहत बड़ी नहीं होती वो अमीर नहीं बनता। और ये अमीर बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं इसकी एक एक चीज आज आपको क्लियर करूंगा। यू नो ड्रीम, चाहत किस तरह की होनी चाहिए मैं बताऊं, और लोगों की वो कैसी थी। एक बार क्या हुआ, फोर्ड के मालिक अमेरिका गए फर्स्ट टाइम, तो एक फाइव स्टार होटल में रुके, उनका कोई बिजनेस डीलिंग था, जैसा आज आपका और हमारा एक बिजनेस डीलिंग ही तो है, डिस्कस करेंगे, इच्छा होगी तो साथ में काम करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो किसी और के साथ काम करेंगे। तो वो फोर्ड के मालिक जब अमेरिका गए तो फाइव स्टार होटल में फिफ्थ फ्लोर पर रुके थे, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट को पूछा, भाई मेरे को वेलकम करना है मेरे पार्टनर का, वो आने वाले हैं, तो क्या कुछ फूल वगैरह है? तो होटल मैनेजमेंट बोलता है, सर फूल तो नहीं है, आप कहो तो अरेंज कर दे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं रहने दो, फिर मैं अपनी पसंद के लाऊंगा। तो उन्होंने खिड़की खोली, चारों तरफ देखने लगे, उनको कोई दुकान नजर नहीं आई फूल की। फिर अचानक उनकी निगाह नीचे रोड पर गई, तो एक टोकरी में थोड़े से फूल रखे थे, वो उतर कर आए, तो उस फूल की टोकरी के पास कोई था नहीं, लगभग 5-7 मीटर पे एक आदमी सो रहा था। तो उनको लगा इससे कुछ लोग कभी इसको कहके गया हो, कहां गया है, कितनी देर में आएगा, जल्दी आएगा तो इसी से ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं और कहीं चला जाऊंगा। उसने उनको उठाया, बोला भाई ये फूल का मालिक कहां है? बोला मैं ही हूं। बोले तू सो रहा है? हाँ, तेरे को जागना चाहिए, कितनी लोग चले जाओगे ये सोच करके? कोई है नहीं, वो तो मैंने तेरे को उठा दिया, तेरा आज कितना नुकसान हुआ, अगर तू जागता कितना फायदा होता? तो उसने कहा, फायदा होता तो क्या होता? बोले
फायदा होता तो कल ज्यादा फूल खरीद के लाता, कल ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाता। बोले फिर क्या होता? बोले और ज्यादा पैसा कमाता, एक कल बड़ी टोकरी में फूल होते, ज्यादा वैरायटी होती और ज्यादा फूल बिकते, ज्यादा पैसा कमाता। बोले उससे क्या होता? बोले उससे फिर एक यहाँ की छोटी दुकान होती, सारा एरिया तेरे से फूल खरीदता, तू और ज्यादा पैसे कमाता। बोले उससे क्या होता? बोले फिर तेरा अमेरिका में बहुत बड़ा स्टोर होता, सारी वैरायटी के फूल तेरे पास होते और तू अमेरिका का फूल वाले के नाम से सबसे अमीर आदमी होता। बोले फिर क्या होता? बोले उसके बाद बहुत पैसा कमाने के बाद आराम करता। बोले वो ही कर रहा हूं। जिसने भी आपको बताया, जिसने भी आज बुलाया, एक नाम बताया आरसीएम, जब इसकी आप चर्चा करते हो मार्केट में तो बहुत ज्यादा लोग इसको सही नहीं मानते। है ऐसा? मैं बताऊं लोग इसको क्या मानते हैं? इस काम को वो आदमी करता है जिसमें अकल नहीं है। इस काम को वो आदमी करता है जिसकी घर में वैल्यू नहीं है। इस काम को वो आदमी करता है जिसकी रिश्तेदारी में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा महसूस होता है? बहुत लोग इसको बहुत गलत मानते हैं। आज मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। उनको समझ नहीं है कि ये डीएसएम क्या है, कब आया, दुनिया में कब आया, देश में कब आया, क्या ये ताकत रखता है। मेरा एक मानना है, ईमानदारी से जवाब देना, जो इसको सही मानता है या तो वो पागल है, जो इसको सही नहीं मानता या तो वो पागल है, पर एक तो है। एक तो वो कोई भी हो सकता है, जो इसको सही मानता हो वो भी हो सकता है। अब मैं इसका जवाब आपसे पूछूंगा, पागल कौन है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और यह बहुत सारी यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मैं आज आपको इसकी ताकत बताना चाहता हूं कि डीएसएम को कैसे लोग करते हैं या जो इसको सही गलत मानते हैं, ये डिसीजन आप ले रहे हैं। अभी लगभग 30 महीने पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, और आप उस इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं। तो ट्रंप से इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि हमने सुना है आप अमेरिका गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते। तो ट्रंप ने कहा, आपने ठीक सुना है, क्यों नहीं लेते? बोले मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, आपके तो पैसे की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, मेरे को अन्य काम से बहुत पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा, अन्य क्या काम करते हो? बोले मैं नहीं करता, मेरे पिताजी ने किया था। बोले क्या किया था? बोले मेरे पिताजी 50 साल पहले इससे जुड़े थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, इस सिस्टम की इनकम मेरे को मिलती है। तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, इतना कितना इनकम मिलता है जो आप सैलरी नहीं लेते? तो आप जानना चाहते हैं 30 महीने पहले ट्रंप का एक महीने का इनकम क्या था इस सिस्टम से? इधर से जानना चाहते हैं? 123 करोड़ डॉलर। कितने दिन का? एक मंथ का। 123 करोड़ डॉलर पर, समझते हो? अगर उसको इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करो तो यहाँ का कैलकुलेटर मना कर देता है कि आधा स्पेस नहीं है भाई, क्या जीरो लगाएगा। तो अगर ट्रंप जैसे व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट में है तो या तो वो पागल है या फिर मैं नहीं जानता, लेकिन एक है। अगर ट्रंप को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो उनसे 1000 गुना ज्यादा इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है।